नमस्कार, सही वाणी में आप सबका स्वागत। मेरे प्रिय आत्मा, प्रारंभ करो जारी रखो इसी विचारधारा से कार्य को शुरू किया और आज हजारों करोड़ों भाई बहन सही वाणी के माध्यम से साईं बाबा की अनुभूति और उनके सब चमत्कारों को अपने विचारों के साथ जोड़ने का प्रयास करें। उनके जीवन में बदलाव आ रहा है। मैंने बहुत पहले कहा था कि अगर कुछ हो सके तो साईं वाणी से आपके जीवन में बदलाव होना चाहिए, साईं बाबा के आशीर्वाद से क्रांति होनी चाहिए। यहाँ तो कोई इंटरटेनमेंट के लिए नहीं या प्रभावित करने के लिए नहीं या प्रोत्साहित करने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ। वो तो मदारी भी करता है, उसमें गलत क्या है, अलग क्या है और कुछ नया कुछ नहीं है। मेरा मकसद है जीवन में बदलाव लाना, क्रांति लाना, और वो क्रांति हमारे बीज की क्रांति है। ये जीवन बहुत सुंदर जीवन है, उसको अंकुरने के लिए हमें वो बीज को जमीन में जानना पड़ेगा, गाड़ना पड़ेगा और उसके बाद उसका बीज से अंकुर बन के पेड़ बनेगा। वही पेड़ पूरी धरती पर हरियाली घुमाएगा, बिल्कुल बिखर देगा, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले और महत्वपूर्ण सोचना है जीवन। सूर्य को हम जब छूने को जाते हैं ना, उसकी यात्रा होती है। देखो, जब अपना पेड़ बीज अंकुरता है, उसको अच्छी जमीन नहीं मिली तो फिर कुछ फायदा नहीं। वही बीज अगर ऊपर रहेगा तो सड़ जाएगा। जीवन को, असली इंसान को अगर अच्छा धर्म नहीं मिला तो जीवन भी सड़ जाएगा। बीज मतलब हम है और जो जमीन मतलब धर्म है। वो धर्म जो है वो अपने जीवन को लक्ष्य पाने के लिए है। और भगवान बुद्ध हो, भगवान महावीर हो, जिन्होंने भी, भगवान मोहम्मद हो, भगवान हिंदू के सब शंकराचार्य जी से लेके हिंदू के राम कृष्ण तक, सभी ने जो भी पाठ पढ़ाए हैं अपने शिष्यों को, वो धर्म के पाठ है और उन्हीं के सिद्धांतिक तौर पर हमें चलना है। और ये साईं वाणी का जो प्रारंभ है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाने का और अपनी शक्ति को लोगों के साथ जोड़ के एक क्रांति करने की क्षमता है। मैं चाहता हूँ बड़े दिल से और तहे दिल से मैं चाहता हूँ कि लोग उसी बात को नहीं समझ पाते हैं। लोग आज कितने सारे गिड़ में, लालच में जड़ चुके हैं। एक बार एक छोटी सी कहानी से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। एक इंसान एक दुकान में जाता है और कहता है मुझे एक बहुत अच्छा कोट चाहिए। तो दुकानदार उसको कोट देता है, बोलता है इसकी कीमत 1000 रुपये है। बोलता नहीं, मुझे इससे अच्छा चाहिए, आज मैं जी खोल के, जी भर के मुझे बहुत मुनाफा हुआ है, मैं बहुत अच्छा खरीदी करना चाहता हूँ, ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहता हूँ। अगर इसी कोट को अगर थोड़े से अलग अलग ऐसे कान के यहाँ थोड़ा सा, मतलब गले के यहाँ कुछ अगर अलग उसका कलर से कुछ दुपट्टा लगाए या पीछे साइड के उसके पॉकेट को अलग कलर का आप उसमें रेशम लगाए तो कितना अच्छा लगेगा। वो दुकानदार भी खुश हो जाता है, ग्राहक खुश तो दुकानदार खुश। दुकानदार तो होशियार होते हैं, उनको बेचने की कला होती। बोलते आप चिंता ना करें भाई, तुरंत उसके लिए मेरे, बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं वैसे मेरे गोडाउन में और एक कोट पड़ा है, वो लेके आता हूँ। तो ये इंसान खुश हो जाता है, बोलता है आज तो मैं जी भर के खरीदना चाहता हूं। इस तरह से कोट की कहानी को आप ठीक से समझो। और जब वो जी भर के खरीदने की बात करता है, दुकानदार को लालच पैदा होता है, वही कोट छुपके से दुकानदार पीछे से लेके जाता है और अपने कारखाने में जाके उसको पॉकेट को अलग कलर लगा से दुकानदार पीछे से लेके जाता है और अपने कारखाने में जाके उसको पॉकेट को अलग कलर लगा नाम दिया है साईं वाणी। प्रारंभ करो जारी रखो इसी क्रिया के प्रत्युत मैं जुड़ा हूं, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, यही मेरा कार्य है। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए और यही संकल्प है दृढ़ता। हमें एक एक कदम दृढ़ता, मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। इस भूमि को, ये धर्म की भूमि है, ये साईं वाणी एक विचारों की भूमि है। सर्व धर्म समभाव, प्यार और आपस में बंटवारा नहीं तो प्यार की भूमि है, शक्ति की भूमि है, भक्ति की भूमि है, चरित्र की भूमि है, नम्रता की भूमि है, लीनता की भूमि है, कर्तृत्व की भूमि है, पुरुषार्थ की भूमि है, भाई भाई में प्यार करने की भूमि है, ना कि किसी के ऊपर लालचन लगाने की भूमि है, ना किसी के में भेदभाव करने की भूमि है। अगर हमें लगता है हम देश को बदलना चाहते हैं तो पहले अपने को बदलना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा कार्य वो नहीं है कि जो सिर्फ दूसरों को बताया जाए, अच्छा कार्य वो है जो अपने जीवन में इस्तेमाल किया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। आज का ये विषय मैं आपको कहना चाहता हूं, अपने जीवन में धर्म को कैसे जाने, धर्म क्या है, धर्म क्या है, ये आज का ये संदेशा है। धर्म है अपने जीवन में उत्क्रांति करना, जीवन में क्रांति करना।
जीवन में द्विधा मनस्थिति से दूर होके एक सच्चे रास्ते पे चलना, खुश और खुशहाली के साथ अपना जीवन बिताना। और वो बीज जो जमीन की तलाश करता है, वही बीज सिर्फ जमीन पे रहा तो सड़ जाएगा, लेकिन अच्छी जमीन पे बोया जाएगा तो पेड़ बनेगा और हजारों बीजे पैदा करेगा। वही इंसान अगर सिर्फ इंसान रहा, काम क्रोध मद मत्सर लोभ अहंकार इन्हीं शरीरकारों से जुड़ा रहा जो बहुत आसानी से मिलते हैं, इनसे ऊपर जाने का प्रयास किया और एक अच्छा इंसान बना, तो वो भगवान से कम नहीं है, नर का नारायण हो गया है। ये बात आप ठीक से समझ लो। जीवन में एक भी काम मुश्किल नहीं है अगर आप शिद्दत से करना चाहोगे तो। आज का बहुत बड़ा लक्ष्य है धर्म क्या है। बहुत सारे लोग आज द्विधा मनस्थिति में है, बहुत सारे लोग आज समस्या से घिरे हुए हैं और उनको आज तक समस्या नहीं छोड़ने आ रही है। इसलिए मैं एक ही गुरु मंत्र देना चाहता हूं, साई वाणी सुनो, साई क्रिया करो, साई ध्यान से जुड़ जाओ और साई भजन में संकीर्तन में नाचो गाओ, साई की भक्ति करो। इसीलिए साई वाणी इस यूट्यूब चैनल से जुड़ो। और मैं आपको सबको विनती करना चाहता हूं, मेरे पूरे विश्व के दर्शकों को कहना चाहता हूं, व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें संपर्क करें जो ग्रुप में ऐड किया जाएगा। और हमारी ये कम्युनिटी जो है, ये विश्वास की, एक धर्म की और एक राष्ट्र को निर्माण करने वाली, प्रसन्नता के साथ और सुख शांति समृद्धि से जीने वाली कम्युनिटी है। इसमें मैंने 6 विंग्स बनाए, प्रमुख विंग है जिसमें मेरे मित्र है, मेरे बहने हैं, मेरे भाई है, मेरे स्टूडेंट्स है, मेरे उद्योगपति लोग हैं और जो भी देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, ऐसा एक क्रिएटिव ग्रुप है जो अपने कार्य में अपने जीवन में सफलता के साथ जीना चाहते हैं। कलाकार लोगों को यह बहुत बड़ा व्यासपीठ है, जो अपने को व्यक्त होना चाहता है, जो अपने को पूरी तरह से कुछ करने की तमन्ना रखता है, उसके लिए साईं बाबा ने दिया हुआ प्लेटफॉर्म है। भाई और बहनों, एक बात मैं बहुत तहे दिल से कहना चाहता हूं, ये मेरी जो कहानी है इसको आप थोड़ी सी ठीक से समझ लीजिएगा, क्योंकि आज बड़ी खुशी है, 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग साई वाणी से जुड़ चुके हैं। पूरे विश्व से मुझे संदेश आते हैं और बहुत सारे लोग तो जुड़ के अपने जीवन में बदलाव की जो कहानी बताते हैं, उससे तो मुझे बड़ी खुशी है। लेकिन अभी मैं समाधानी नहीं हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग साई क्रिया के लिए जुड़ जाना मेरा प्रयास है। साई क्रिया और साई ध्यान ये जीवन में बदलाव लाने की क्रांति है। भाषण तो आप भूल जाओगे, लेकिन एक बार वो अमृत का पल, वो परमात्मा के साथ दोस्ती करोगे ना, किसी दूसरे की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे शब्द की भी नहीं पड़ेगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, साई का आशीर्वाद ही शक्ति है और उस शक्ति को पाना है तो हमें भक्ति सिद्धत से करनी पड़ेगी। इसीलिए किसी ने कहा है, अगर पूरे दिल से मन से तन से धन से किसी को चाहोगे, किसी चीज को अपनाना चाहोगे, तो पूरी कायनात भी आपको सहयोग करती है। भाई और बहनों, यही तो बात को समझो, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छे बीज को जमीन अच्छी मिली तो याद रखना, वो जमीन उस धरती पे पेड़ बनाएगी और हजारों बीजे तैयार करेगी। बार बार मैं ये क्यों कहता हूं, क्योंकि इसी में जीवन छिपा है, इससे ज्यादा दूसरा जीवन है ही नहीं। कहानी तो बहुत प्रीतिपूर्ण है, लेकिन आप इसको बोध लेना जरूर समझे, ये कहानी है उस राज्य की जो हम दूसरों के लिए बदलते हैं और बदलते बदलते हम कहीं के भी नहीं रहते। अगर आप दूसरों के लिए जियोगे तो फिर आप खुद के लिए कब जियोगे, कब अपना जीवन की संहिता कब बनाओगे? मैं तो खासकर मेरी बहला सभी बहनों को कहूंगा, मेरे सभी बहनों को मैं इतना ही संदेश देना चाहता हूं कि आप अपने जीवन का लक्ष्य तय करो। आप निर्भर, आप पहले सेल्फ फाइनेंस पे डिपेंड, खुद के ऊपर एक निर्भर हो जाओ। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, विचारों का इंडिपेंडेंस होना चाहिए। तीसरी और महत्वपूर्ण बात, अपने परिवार को सहयोग करने के लिए अपने पति से, अपने भाई से, अपनी जो भी घर के बुजुर्ग है उनसे कंधे से कंधा मिला के आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि महिलाएं शक्ति अभी कम नहीं रही। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आज भी देखता हूं कि भेदभाव किया जा रहा है। मैं नहीं चाहता ये भेदभाव हो जाए। वो प्यार में बंटवारे में साईं बाबा कहते हैं, मेरी बायजा माँ भी उतनी ही मुझे प्रीतिपूर्ण है जितने मेरे भक्त है। बायजा माँ को बाबा ने गांव का कारभार करने के लिए, शिरडी में आज भी आप जाओगे, महासापति बायजा माँ, ये साईं बाबा के जो भी उस समय के सब भक्तगण थे, वो आज क्या कर रहे हैं? वो अपने समाज को, बायजा माँ कितने सारे गरीब लोगों को दान देती थी, उनको मदद करती थी, रोज भूखे लोगों को खाना खिलाती थी, शाम को साईं बाबा का भजन कीर्तन करते थे।
तो महिलाएं भी कम नहीं है। साईं बाबा ने आप जीवन में लक्ष्य रखा है पंचसूत्री का, और आज की पंचसूत्री है सिर्फ और सिर्फ ध्यान की पंचसूत्री। अगर ध्यान को प्राप्त होना है आपको 5 अहम चीजों को सुनना ही पड़ेगा आज, और वो सबसे पहले है दृढ़ संकल्प। मैं ध्यान करूंगा, मुझे कितने भी समस्या आए लेकिन मैं हर दिन 1 घंटा ध्यान करूंगा। करो मेरे साथ संकल्प, तभी ये सुनने का फायदा है, नहीं तो ये मनोरंजन नहीं है। ये कोई मनोरंजन नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपको यहां के बात करके कुछ सिर्फ एक बड़े बड़े शब्द यूज करके बड़े बड़े किताबें पढ़ के आपको ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं। आपके पास बहुत कुछ है, आपको सिर्फ आपके हाथ में हाथ मिला के आपको आगे लेके जाने के लिए जो मुझे बाबा ने रास्ता दिखाया है ध्यान का, वो ध्यान का रास्ता पाना है। मेरे साथ शांति से सब बैठे और पूरी आंख बंद करके सिर्फ सांस को गहरी ले ले, और आप ऐसे प्रसन्न हो चुके हो, अपनी एग्जिस्टेंस की शक्ति साईं बाबा की शक्ति से अपनी जोड़ी है। सबका मालिक एक है मेरे भक्त, तू आज मेरे चरण में शरण आया है, तुझे मैं दृष्टि और ज्ञान प्राप्त करके दूंगा, लेकिन तुझे अपने में काम करना पड़ेगा, अपनों के साथ काम करना पड़ेगा। तुझे आज पूरी तरह से गुस्सा छोड़ के सबके साथ हंस के बात करनी पड़ेगी। आज तुझे दुनिया का सबसे अहम और महत्वपूर्ण दिन मिला है, पीछे जो भी तेरे जिंदगी में समस्याएं खड़ी हुई है उन सबको भूल के आपको आज से नई जिंदगी शुरू करनी है। ये जिंदगी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जिंदगी है और भगवान पूरी शक्ति के साथ आपके साथ है। आपको किसी भी चीज के लिए डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी अच्छा हो रहा है भगवान के आशीर्वाद से हो रहा है, और जो भी कुछ बुरा हुआ था वो भी भगवान की इच्छा थी, अभी जो भी होगा अच्छा ही होगा। तीसरा और महत्वपूर्ण है, मेरी सब समस्या मैं आपके चरणों में डाल देता हूँ, आपको मुझे डर नहीं है, क्योंकि समंदर में किसी अगर लकड़े को फेंक दोगे तो लकड़ा अगर लहरों के साथ टकराएगा तो कभी जीत नहीं पाएगा, लेकिन जहाँ लहरें लेके जाएगी वो किनारे पहुंच जाएगा। यही तो हमारी जिंदगी का है, ज्यादातर हम उनके हिसाब चलने जाओगे कहीं नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन खुशी से उनके साथ सम्मिलित हो जाओगे, दिल से उनकी प्रार्थना करोगे तो पहुंच जाओगे सुख शांति और समृद्धि के लिए। और क्या चाहिए भाई और बहनों, दृढ़ता का संकल्प है। 9604050607 इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे हाई भेज के अपने ग्रुप से जुड़ना है, क्योंकि तो ग्रुप जुड़ने के बाद आपको बहुत बड़ी क्रांति होगी। ये क्रांति विचारों की क्रांति है, ये साई वाणी अभी रुकने वाली नहीं है, इसे हजारों करोड़ों लोगों को रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और आरोग्य के प्रति मैं खुद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करके आपके साथ कटिबद्ध हूँ, क्योंकि मैंने समाज के रोजमर्रा की जिंदगी की हजारों समस्याएं देखी और आज मैं उन समस्याओं को जीतने के लिए ये भूमि, ये जो धर्म की भूमि है, जो साई वाणी की भूमि है, ये आपके बीच को मतलब अपने जीवन को अंकुरित करने वाली भूमि है, जिस भूमि से जीवन बदलेगा, क्रांति होगी, समाज बदलेगा, और यही समाज आपको अच्छा समाज दिखेगा, क्योंकि गांव गांव में घर घर में समाज समाज में आज अपने को साई वाणी की ये क्रांति सुनानी है, प्रारंभ करना है, जारी रखना है, देश को निर्माण करने की क्षमता रखनी है, कार्य करना है। मेरी बहुत लगाव है आपसे, मैं बहुत मेरे सभी भाई बहन से बहुत प्यार करता हूं। मेरी इच्छा है, मेरी मनीषा है कि आप भी अपने जीवन में बदलाव लाए, जुड़े हमसे और क्रांति करें। भगवान वही शक्ति दे देता है जो आप कुछ करना चाहते हो। जैसे आप अभी शांति से मेडिटेशन कर रहे हो और आंख बंद करके सिर्फ भगवान की शक्ति से जुड़ रहे हो, साईं बाबा अपने को शक्ति दे रहे हैं, गहरी सांस ले रहे हो, अगले 5 मिनट सिर्फ और सिर्फ आप मेडिटेशन के साथ जुड़ रहे हैं। एकदम शांति से आप प्रयोग करते समय पूरी शक्ति को नीचे से लेके मूलाधार चक्रा से लेके सहस्राधार चक्रा तक आप दौड़ा रहे हैं। बहुत अलग क्रांति हो रही है आपकी जीवन, ये अद्भुत क्रांति है, मन की शक्ति है। आप पूरी तरह से सब विचार छोड़ दे रहे हो, सब सुख दुख सब कुछ जो होगा सब साई करेंगे, सिर्फ इसी भावना से ध्यान करने जा रहे हो, और प्रारंभ करो और जारी रखो, मन में मंत्र दोहरा रहे, गुरु मंत्र है, प्रारंभ करो जारी रखो, प्रारंभ हे साई, प्रारंभ करो जारी रखो, हे साई प्रारंभ करो जारी रखो, प्रारंभ करो जारी रखो, ऐसे ही 5 मिनट में मन बोलोगे। ये भी बोलना इसलिए जरूरी है कि ध्यान उसकी तरफ आए, और सिर्फ लक्ष्य अपने जो सांस है उनके ऊपर होनी चाहिए, इनहेल और एक्सहेल, अंदर लेना बाहर छोड़ना सांस, उसी के ऊपर पूरा लक्ष्य दोहराओ, देखो प्रसन्नता कितनी लाएगी,
यही क्रांति है, यही शांति है, यही क्रांति है, यही शांति है, भजन की यही शक्ति है। क्योंकि मैं अगले कुछ एपिसोड से हर मेरे सेंटर ने की हुई चीज़ें भी यहाँ दिखाऊंगा, क्योंकि 1000 नंबर के सेंटर जो अभी है हमारे फॉरेन के, जो खासकर मलेशिया में, सिंगापुर में और मॉरिशस में, जो हमारे हिंदू भाई बहन वहाँ जाके साईं बाबा की, और फॉरेनर्स भी काफ़ी जुड़ रहे हैं, बहुत सारे परदेश नागरिक भी चाहते हैं कि साईं बाबा का आशीर्वाद ले। मैं इतना ही चाहता हूँ मॉरिशस के मेरे सभी भाई बहनों को, और ख़ासकर मैं मेरी शिल्पी बहन को कहना चाहता हूँ कि बहन आप अपने सेंटर का वहाँ के शुरू, मैं सबको ऐलान करूंगा कि आप अपने अपने मंदिरों का, घर का भी मंदिर हो या अपने परिसर का मंदिर हो, उसका वीडियो बना के 2 मिनट में आप मुझे व्हाट्सअप करें, वही वीडियो अपने इसी माध्यम से दिखाया जाएगा, क्योंकि वो साईवानी का अधिकृत सेंटर होगा। मैं शिल्पी बहन को ऐलान करना चाहता हूँ कि आप मॉरिशस का अपने साई बाबा मंदिर का वीडियो बना के भेजे, जहां से आप अपने पूरे श्रद्धा के साथ साई बाबा को समर्पित हो रही हो, और यही साई बाबा ने आपको दिया हुआ आशीर्वाद है, यही साईवानी की क्रांति है, और यही साईवानी की क्रांति हमें आप सबको आगे लेके जाएगी, क्योंकि बीज को अंकुरने के लिए साई का धर्म है, और वो साई धर्म है उसको साईवानी हमने कहा है, यही हमारा संदेश है। प्रणाम। Sorry.